वेलकम बैक टू माई चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताया था। इस वीडियो में हम उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे और इसमें देखेंगे हम कि कौन कौन से एंजाइम्स जो होते हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एंजाइम्स के बारे में बताया था, इसमें आप उसका थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट एंजाइम था हेलिकेज। हेलिकेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये डीएनए अनवाइंडिंग एंजाइम है। इसका काम होता है डीएनए के जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना। तो ई कोलाई में 12 डिफरेंट हेलिकेजेस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से तीन हेलिकेजेस के बारे में आपको पढ़ना है। डीएनए बी हेलिकेज, ये मेजर अनवाइंडिंग हेलिकेज है। सेकेंड हेलिकेज होगा डीएनए ए, एंड थर्ड इज डीएनए सी। डीएनए बी ये एक रिंग शेप प्रोटीन होता है और इसमें 6 सब यूनिट्स का बना होता है। 6 सब यूनिट्स आपस में अरेंज होके एक सर्कुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं और यही रिंग शेप प्रोटीन जाके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे अटैच हो जाता है और अनवाइंडिंग स्टार्ट कर देता है। अब ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा डीएनए रेप्लिकेशन? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट होगा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ही डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और रेप्लिकेशन फोर्क मैंने जो आपको बताया था वो दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब इसमें देखते हैं कैसे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है ओरी सी रीजन पे। ओरी सी रीजन होता है, ये 80 बेस पेयर रिच रीजन होता है। अब यहाँ पे देखिए जी सी बेस पेयर्स नहीं पाए जा रहे हैं, 80 बेस पेयर हो रहे हैं पाए जा रहे हैं। और ए और टी के बीच में आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी बेस पेयर आपस में दो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं और जी और सी बेस पेयर्स आपस में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। यहाँ पे इसीलिए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन रीजन से, क्योंकि 80 बेस पेयर्स को तोड़ना ज़्यादा आसान होगा कंपैरेटिवली जी सी बेस पेयर्स में। दो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा आसान है, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। इसीलिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे ओरी रीजन पे रेप्लिकेशन इसीलिए स्टार्ट होता है क्योंकि यहाँ पे ये रीजन 80 बेस पेयर रिच रीजन है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें क्या होता है, डीएनए ए प्रोटीन, डीएनए ए प्रोटीन जाके अटैच हो जाएगा ओरी रीजन पे। और डीएनए ए प्रोटीन ओरी रीजन पे अटैच होने के बाद एटीपी से एनर्जी लेगा। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एटीपी से, और बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर देगा। जहाँ पे डीएनए ए जुड़ा हुआ है, डीएनए ए प्रोटीन डीएनए से जहाँ पे जुड़ी हुई है उस रीजन पे डीएनए मेल्ट होगा। उसके बीच में डबल स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और डीएनए ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे बोलते हैं इनिशियल कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे डीएनए ए प्रोटीन अटैच हुई है और डीएनए की अनवाइंडिंग स्टार्ट हुई है ओरिजिन ऑफ ओरिजिन रीजन पे ओरी रीजन पे। वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उसे हम बोलेंगे इनिशियल कॉम्प्लेक्स। अब डीएनए ए का काम, डीएनए ए ने काम आसान कर दिया डीएनए बी का, डीएनए ओपन हो गया, दोनों स्ट्रैंड थोड़ा सा अलग हो गए। अब फिर जो दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए हैं वहीं पे जाके कौन सी प्रोटीन जुड़ जाएगी, डीएनए बी प्रोटीन। मैंने बताया था सर्कुलर रिंग शेप प्रोटीन होती है और दोनों स्ट्रैंड जो अलग हो गए हैं एक एक स्ट्रैंड पे ये डीएनए बी प्रोटीन जाके अटैच हो जाती है, ठीक है, और डीएनए को अनवाइंड करना शुरू कर देती है। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि ये डीएनए बी जो प्रोटीन है ये 5' to 3' डायरेक्शन में डीएनए के ही अलोंग मूव करेगी और डीएनए को अनवाइंड करना शुरू कर देगी। अनवाइंडिंग कैसे होगी, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो ब्रेक होंगे और डीएनए अनवाइंड होना शुरू हो जाएगा। तो आपको दोनों का रोल पता लग गया, डीएनए ए प्रोटीन का रोल पता लग गया, डीएनए बी प्रोटीन का रोल पता लग गया कि डीएनए ए प्रोटीन क्या करती है, सबसे पहले जाके ओरी रीजन पे बाइंड कर जाएगी और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देगी।
जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड थोड़ा सा सेपरेट हो जाएंगे, फिर डीएनए बी प्रोटीन जो रिंग शेप प्रोटीन है, एक एक स्ट्रैंड पे डीएनए के जाके अटैच हो जाएगी और फर्दर आगे का काम शुरू करेगी डीएनए की अनवाइंडिंग का। डीएनए सी का काम क्या होता है? डीएनए सी प्रोटीन डीएनए बी प्रोटीन को लोड करने में, डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर लोड करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये ओरी सी रीजन है, 80 रिच रीजन मैंने आपको बताया था, ये 13 बेस पेयर्स की रिपीट है 80 रिच रीजन, और इसके बाद आगे 9 बेस पेयर्स की रिपीट है। अब क्या हो रहा है, डीएनए ए प्रोटीन जाके ओरी सी रीजन पे बाइंड कर गई, उसके बाद 80 रिच रीजन था यहाँ पे, उसके बाद इस रीजन पे बाइंड करने के बाद देखिए डीएनए सी डीएनए ए प्रोटीन जाके ये इस रीजन पे 9 बेस पेयर वाली जो रिपीट है ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पे जाके बाइंड कर गई है डीएनए ए प्रोटीन। उसके बाद डीएनए को अनवाइंड इसने कहाँ पे किया है, 13 बेस पेयर्स की जो रिपीट है 80 रिच रीजन, ये था रेड और ब्लैक देख रहे हैं आप, यहाँ पे डीएनए देखिए ये अनवाइंड हो गया है। उसके बाद अनवाइंड होने के बाद डीएनए बी और डीएनए सी का कॉम्प्लेक्स आया और वो जाके रिंग शेप कॉम्प्लेक्स था, वो जाके इसी ओपन डीएनए पे दोनों बाइंड कर गए और आगे फर्दर डीएनए की अनवाइंडिंग स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स का रोल क्या होता है? हेलिकेज ने तो काम कर दिया अपना, डीएनए को अनवाइंड करना शुरू कर दिया, डीएनए अनवाइंड हो गया है। अब वापस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जुड़ ना जाएं, इनको जोड़ने से रोकने का काम किसका होता है? एसएसबी प्रोटीन का। एसएसबी का फुल फॉर्म क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। इसका काम दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट रखना होता है। नेक्स्ट देखते हैं टोपो आइसोमरेज एंजाइम। टोपो आइसोमरेज जो भी ट्विस्ट होते हैं डीएनए में, सुपर कॉइल्स होते हैं, उनको रिमूव करके डीएनए को ओपन करने में या फिर अनवाइंड करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल है टोपो आइसोमरेज का डीएनए गायरेज, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, GYRASE होगा डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज क्या करता है, डीएनए में जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होती है उसको रिमूव करके नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में कन्वर्ट करता है, जिससे डीएनए की अनवाइंडिंग में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं प्राइमेज। प्राइमेज का काम होगा आरएनए प्राइमर्स की सिंथेसिस। ठीक है, तो प्राइमर्स क्या होते हैं? आरएनए प्राइमर्स शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ आरएनए होते हैं जो कि एज आ प्राइमर यूज किए जाते हैं डीएनए की सिंथेसिस में। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स ही टेम्पलेट की तरह यूज होते हैं। टेम्पलेट मतलब डीएनए का पहला स्ट्रैंड है उसमें नए डीएनए की सिंथेसिस होगी, और डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है इस पे भी नए, इसके नीचे नए डीएनए की, नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी। तो प्राइमेज का काम क्या होता है? शॉर्ट प्राइमर्स की सिंथेसिस करना। प्राइमर्स ही आगे डीएनए टेम्पलेट्स के नीचे अटैच होके न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होता है, और प्राइमर्स ही आगे इलोंगेट होके डीएनए की सिंथेसिस करते हैं। प्राइमेज और हेलिकेज का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमोसोम। नेक्स्ट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम इन डीएनए रेप्लिकेशन। पॉलीमरेज का काम क्या होगा? पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करना। जब न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहेंगे तो एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन मतलब डीएनए का फॉर्मेशन, नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कौन कौन से पॉलीमरेजेस इन्वॉल्व होते हैं इसमें?
प्रोकैरियोट्स में थ्री डिफरेंट पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो सबसे पहले हम देखेंगे, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम, इट इज एनकोडेड बाय पोल ए जीन, और इसकी डिस्कवरी की थी ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम को किसने डिस्कवर किया था। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम को किसने डिस्कवर किया था? ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम को भी ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर किया था, ठीक है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम को इनके बेटे थॉमस कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर किया था। फर्स्ट एंड सेकेंड को किसने किया था? ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने, और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को इनके बेटे थॉमस कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर किया था। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ये 5' to 3' डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। मतलब 5' to 3' डायरेक्शन में ही डीएनए की सिंथेसिस करेगा। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए टेम्पलेट को यूज़ करेगा और डीएनए की सिंथेसिस, नेक्स्ट स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा। उसके बाद इट रिमूव्स आरएनए प्राइमर्स एंड फिल्स गैप्स, जीएपीएस गैप होगा इन डीएनए। अब देखिए, डीएनए में मैंने बताया था एक स्ट्रैंड तो टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा, नीचे प्राइमर जुड़ जाएगा और प्राइमर के आगे ही न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस होगी। अब आरएनए प्राइमर को तो रिमूव होना होगा, ठीक है। तो आरएनए प्राइमर को लास्ट में जब सिंथेसिस हो जाती है तो आरएनए प्राइमर जो बचता है उसको कौन रिमूव करता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम। अब जब प्राइमर हट जाएगा तो बीच में गैप बचेगा, तो इस गैप को कौन फिल करेगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम। इसके अलावा इसमें देखिए, नेक्स्ट 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, इसको हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी कहते हैं। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में अगर कोई भी गलत न्यूक्लियोटाइड आके ऐड हो गया, मान लीजिए ए ऐड होना था और जी आके ऐड हो गया, तो डीएनए पॉलीमरेज तीनों पॉलीमरेजेस के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, जिसकी हेल्प से वो गलत न्यूक्लियोटाइड को, जैसे ए ऐड होना था जी ऐड हो गया है, तो ए को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे और बाद में ए की जगह जी की सिंथेसिस हो जाएगी। तो इसी एक्टिविटी को बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, मतलब डीएनए अपनी गलती सुधार रहा है, ठीक है। उसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो अपनी गलती सुधार सकता है और उसके बाद उसको ठीक कर सकता है। तो ये इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी या फिर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट देखिए, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, ये भी इसके पास प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट 5' to 3' आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, देखिए दोनों ही है, 5' to 3' डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी है और 5' to 3' आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी है। इसका मतलब ये आरएनए टेम्पलेट मिल जाएगी तब भी ये डीएनए की सिंथेसिस कर डालेगा, और अगर डीएनए टेम्पलेट मिलेगी तब भी ये डीएनए की सिंथेसिस कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड किसने डिस्कवर किया था? ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने। एनकोडेड बाय पोल बी जीन, इट इज़ द बैकअप एंजाइम इन डीएनए रेप्लिकेशन। बैकअप एंजाइम मतलब अगर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सही से काम नहीं कर रहा है तो पॉलीमरेज सेकेंड उसकी जगह यूज हो सकता है। इसका मतलब पॉलीमरेज सेकेंड एक ऑल्टरनेटिव है पॉलीमरेज फर्स्ट का। नेक्स्ट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये मैंने आपको बताया था, सेम डीएनए टेम्पलेट का यूज करेगा नेक्स्ट नए डीएनए की सिंथेसिस के लिए। उसके बाद 5' to 3' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, इसके पास ये प्रेजेंट है। 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, ये कौन सी एक्टिविटी है? प्रूफ रीडिंग, वही जो मैंने बताई थी आपको, ये भी इसके पास भी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड।
DNA polymerase third, it is the most important polymerase enzyme. Question बनता है सबसे important polymerase third सबसे important polymerase enzyme कौन सा है first, second और third? तो answer होगा polymerase third. It is highly processive. अब processivity क्या होती है? Processivity ये होती है कि DNA polymerase enzyme अगर किसी template पे attach हो गया है तो ये एक सेकंड में कितने न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन कर रहा है, ये होती है इसकी प्रोसेसिविटी. तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की देखिए कितनी ज़्यादा है प्रोसेसिविटी, ये 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड में ऐड कर सकता है डीएनए में, ठीक है. तो ये हाईली प्रोसेसिव एंजाइम है. तीनों में सबसे ज़्यादा प्रोसेसिविटी किसकी होती है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की. उसके बाद नेक्स्ट है वही सेम, it is the main polymerization enzyme. Third, it is several time more active than polymerase first and polymerase second enzymes. Uske baad next dekhiye 5 prime to 3 prime polymerization activity iske paas bhi hai. 3 prime to 5 prime exonuclease activity, proofreading activity DNA polymerase third ke paas bhi hai. तो तीनों आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों के पास ही 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएस एक्टिविटी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट है. पॉलीमरेज थर्ड की डिस्कवरी किसने की थी? थॉमस कॉर्नबर्ग ने. नेक्स्ट देखते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम. डीएनए लाइगेज एंजाइम का काम क्या होगा? जब डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी तो कुछ निक्स कट्स रह जाते हैं डीएनए में, तो इसको सील करने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज एंजाइम. ये निक डीएनए को सील करता है और डीएनए के फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ देगा. फिर देखिए दो टाइप का होगा डीएनए लाइगेज एंजाइम. फर्स्ट इज ई कोलाई डीएनए लाइगेज एंजाइम. ई कोलाई डीएनए लाइगेज एंजाइम ये NAD प्लस को एज अ को फैक्टर यूज करता है. नेक्स्ट है T4 DNA लाइगेज एंजाइम. इट रिक्वायर्स ATP एज अ को फैक्टर. तो यहाँ पे आपने DNA के सारे एंजाइम्स देख लिए हैं DNA रेप्लिकेशन में जो इन्वॉल्व होते हैं. अब इसी को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इलेबोरेट करेंगे और देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ DNA रेप्लिकेशन. थैंक यू.